We will now be आज announcing कल है ना, the best performing states in terms of their overall performance across all their urban local bodies. This year, we have divided states on the basis of two categories: states with more than 100 ULBs and states with less than 100 ULBs. 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य है फिर से एक बार छत्तीसगढ़। आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट पे छत्तीसगढ़ की हैट्रिक है आज। स्वच्छ भारत को केंद्र सरकार की हेल्प से हमारे शहरों ने अपनाया है। सेप्टिक टैंक के पानी का ट्रीटमेंट करके दोबारा यूज करने से हम देश के पहले ODF प्लस प्लस राज्य बने हैं। और बेस्ट पार्ट बताऊँ, यहाँ पर सूखा कचरा बिकता है और गोबर भी खरीदते हैं। गीले कचरे की खाद से बाड़ियों में सब्जियां भी होती है। हमारे 2.5 करोड़ अंकल आंटी स्वच्छता आर्मी और मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चों को थैंक यू, क्योंकि स्वच्छता तो हमारी परंपरा है। इसीलिए तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और मैं जैसे देख रहा हूं कि ये सिर्फ वन टाइम परफॉर्मेंस नहीं है आपकी, तो एक कंसिस्टेंसी है। दूसरे बार और दूसरी बार आपको ये पुरस्कार मिल रहा है। और मेरे जो साथी हैं हमारे मंत्रालय में, सचिव और बाकी हमारी टीम है, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। आप 2018 तीसरे स्थान के थे, इस समय 2019 में प्रथम स्थान पे आए। और जो 4,396 शहर है जिसमें 129 शहरों को पुरस्कार मिला, उसमें 14 हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। और दूसरी बार हमको पुरस्कार मिला है और इस समय प्रथम स्थान पे आए हैं। तो मैं सभी हमारे नगर निगम के महापौर है, कमिश्नर है, सबको मैं बधाई देता हूँ। नगरीय प्रशासन मंत्री भी हमारे साथ हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। सचिव महोदया भी हैं और पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कोशिश हमारी रहेगी कि ये हम अगले साल भी प्रथम आए। सर आपको बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई है कि छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश का पहला राज्य है जिसके सारे सर ODF प्लस प्लस हो चुके हैं और काफी सारे सर अब इसमें स्टार रेटिंग में भी अग्रसर हो रहे हैं। अब इनको सभी सरों को स्टार रेटिंग में भी 3 स्टार और 5 स्टार तक ले जाना। सर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे लोगों को आपके माध्यम से सारी छत्तीसगढ़ की सारी अर्बन आबादी को, मेयर साहबान को, म्युनिसिपल जो ऑफिसर्स हैं और सारे लोगों को, सबको बहुत बहुत बधाई हो सर। एक बात और बताना चाहूंगा मंत्री जी, कचरा से जहां हम लोग खाद बना रहे हैं, वहीं हम लोग इस साल छत्तीसगढ़ में सभी नगरी निकायों में 370 हमारे गोबर खरीदी केंद्र हमने शुरू किया है और 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर भी खरीद रहे हैं और उसे भी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जो जैविक खेती की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में, ग्रामीण अंचलों में कर रहे हैं, लेकिन शहर में भी इस प्रकार से व्यवस्था की है ताकि ये गोबर से जो गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलती है उससे बचा जा सके और उसका खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऐसे लोगों के आय में बढ़ोतरी भी हुई है। बहुत बहुत बढ़िया। 100 से कम, ये वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और मैं समझता हूं कि जैसे आपने इसको स्केल अप किया है कमर्शियल लेवल पे और ऐसे जैसे आप कह रहे हैं ये कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे बाकी लोग भी, मैंने इसके कई और उदाहरण भी देखे हैं, मैंने कई और राज्यों में भी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसके बारे जानकारी दी। इससे जो मैसेज जाएगा बाकी स्टेट्स को, ये कमर्शियल लेवल पे स्केलिंग अप का, उसका मैं आपका बहुत और आभारी हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। 100 से कम। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4th Eye News। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।